सबके सामने एक ओपन सीक्रेट है कि शुभेंदु अधिकारी चले गए, वजह क्या रही, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के जाने से फर्क कितना पड़ेगा यह भी समझने की जरूरत है। और समझने की जरूरत यह भी है कि अगर ये बड़े नेता नाराज हो रहे हैं टीएमसी के, तो उनका उनकी मंजिल बीजेपी क्यों बन रही है, कोई दूसरी पार्टी क्यों नहीं, जरा इस बात को और तफसील से समझते हैं। शिवम त्यागी, आपकी नजर में ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए 2008-09 के वो मंजर हमें याद है जहां पर ममता दीदी को पीटा गया था बुरी तरीके से लेफ्ट के द्वारा, और उसके बाद किस तरह से संसद में हंगामा था और बुखार था, दीदी का क्या हाल था। जिस स्ट्रक्चर को उखाड़ कर ममता दीदी बंगाल की राजनीति में आई थी, वो रक्त चरित्र जो पूरा होता था उसको उखाड़ कर एक अच्छा बंगाल देने की कोशिश पर जो वो आई थी, वो उसका रेप्लिका हो गई है ममता दीदी। आज वही गुंडागर्दी, वही मारकाट, वही हत्याएं हो रही हैं। और सौमित्रा खान ने जैसा कहा कि जैसे ही उन्होंने टीएमसी छोड़ी 36 केसेस उन पर हो गए, उसी का मैं एक लाइव एग्जांपल दे देता हूं। बीजेपी में वो आ गए तो उन पर तो 36 केस हो गए। परसों ही एक जम्मू एंड कश्मीर में एक जवान पोस्टेड है सीआरपीएफ का, विश्वजीत साहनी, वो निकलकर बाइक पर जा रहे थे, सामने से रैली आ रही थी टीएमसी की, टीएमसी के गुंडों ने उन्हें घेरा पीटा, उन्होंने एफआईआर कराई, पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। एक चीज बताइए, जब आम आदमी की कंप्लेंट पर गिरफ्तारी नहीं होगी और बाकी इसके अलावा कमिश्नर के साथ धरने पर भी बैठा भी जाएगा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा जाएगा, संघ के कार्यकर्ताओं को मारा जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है, आप जो कह रहे हैं वो तो ये इशारा है कि वो खुद अपने पैरों पर, क्या एक मैच्योर पॉलिटिशियन को ये नहीं मालूम कि उसके क्या करने से उसका वोट बैंक इंटैक्ट रहता है और क्या करने से दरकता है? यू स्टॉप नाउ, रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।